के ले लिया, मैंने बोला था हेडशॉट है करें जी, और क्लोज रेंज में भी हेडशॉट हेडशॉट सोनू भाई। दो बंदे बच्चे हैं टीम डी के और खत्म भाई खत्म। एनएचके की टीम फुल ऑन चढ़ के खेल इसलिए डी आई द प्रीसाइज किंग। ये हेड इतना गंदा है तो ऑब्वियसली कुछ ऐसी स्किल। ओ हो क्या शायद इनके बंदा है ये देख नहीं रहे। ओ सामने बॉडी शॉट और हेड शॉट दो रही है पूरी। ओ सामने यही है, सामने यही और हेड शॉट मारेगा यही जाते हुए पूरी रेंज बनाते हुए कुछ आए। ओ तीनों हेड गोली। तो आज आपके सामने हम फिर से लेकर आए बहुत ज़्यादा डिमांड और मैसेजों के बाद टीम डी वर्सेज नाइट हॉक्स। जी हाँ, नाइट हॉक्स वर्सेज टीम डी आप सबके सामने होने वाला है। और इधर से डी आली डी याही और डी एलेक्स और डी निंजा। और दूसरी तरफ बात करें त्यागी जी खुद लीड करने हैं और ग्रैंड मास्टर के प्लेयर डी माफिया सॉरी एनएचके माफिया और इधर से एनएचके गोलू मैजिक और एनएचके सोनू भाई टी। तो दोनों ही तरफ नाइट हॉक्स वर्सेज टीम डी होता हुआ देखते हैं कौन सी टीम किस पर पाल्ला भारी करेगी। एक्सपीरियंस की कमी नहीं है भाई नाइट हॉक्स के पास, दोनों ही बड़ी गिल्डे हैं और देखते हैं क्या होगा इस मैच का निर्णय। दोनों ही भारी भरकम टीमें। एनएच के त्यागी जी इतने ज़्यादा हैकर होने के बाद भी एनएच के त्यागी अपने गेम प्ले को इम्प्रूव कर रहे हैं, ग्रैंड मास्टर पर खेल रहे हैं, टॉप 10 के अंदर इस वक्त हैं ये एनएच के त्यागी जी। इतने ज़्यादा हैकर होने के बाद भी उम्मीदें नहीं छोड़ी है इस बंदे ने, फिर भी पुश कर रहा है कि एनएचके का नाम ऊपर ले जाएगा। और एनएच के त्यागी 76 लेवल एक्सपीरियंस की कमी नहीं। और माफिया हेड शॉट हैकर भाई हेड इतने गंदे बजाता है, इसके हेड मैंने देखे हैं अपने टूर्नामेंट में भी देखे हैं, बस हेड ही हेड दिखते हैं, लाल अक्षर इसको पसंद है बस। और इधर से बात करें गोलू मैजिक के साथ आज तक देखा नहीं तो गोलू मैजिक 75 लेवल एक्सपीरियंस की तो कमी नहीं लग रही है। इधर से सोनू भाई में भी अब माफिया ने एक बंदे को याही को हेड शॉट मार के ले लिया, मैंने बोला था हेड शॉट हैकर है जी। और क्लोज रेंज में भी हेड शॉट सोनू भाई। और यहाँ पे टीम डी की टीम आफत में। और यहाँ पे डीजा टीगल के साथ डी एल एक्स देखते हैं क्या करेंगे। दो बंदे बच्चे हैं टीम डी के और खत्म भाई खत्म। एनएचके की टीम फुल ऑन चढ़ के खेल रही है, हेडशॉट एक बॉडी शॉट और एनएचके 1-0 से आगे। देंगे टीम डी बैकअप मारते हुए बैकआउट कर लिया है पीछे की तरफ। ओ यहाँ पे देखने वाली बात होगी, हेडशॉट खा चुके हैं त्यागी जी हेडशॉट खा चुके हैं। देखना होगा गराज में किस बंदे ने हेड दिया है, तेज तर्रार हेडशॉट डी आही ऑब्वियसली डी आही द प्रीसाइज किंग। ये हेड इसी हेड पर कुर्बान भाई बंदों की आग लगी। ऐसा से इज्जत देते हैं हम इनको और इज्जत के साथ रहते हैं। काफ़ी अच्छी टीम एनएचके और एनएचके के तीन बंदे नॉक हो गए हैं। क्या नाइट हॉक्स दिल से नाइट हॉक्स माफिया गोलू मैजिक क्या बचा पाएंगे? चार बंदे टीम डी के मुश्किल लगता है और डी आई को नॉक ले गए, शायद पूरा कंप्लीट कर देंगे, शायद नहीं कर पाएंगे मे बी। बॉल लगा लिए काफ़ी अच्छा गोलू मैजिक भाई, क्या गेम प्ले दिखा रहे हैं। और यहाँ पे क्या बॉड शॉट, ओ निंजा ने वापसी का करा दिया 1-1 से टीम डी। थर्ड राउंड स्टार्ट जिसमें कि टीम डी ने लास्ट राउंड में वापसी करी थी और नाइट हॉक्स थोड़ी पिछड़ गई थी लास्ट राउंड में। नाइट हॉक्स ने पहले राउंड में क्या फाड़ू प्रदर्शन किया। और बात कर रहे थे हम डी आई को लेके, तो भाई इस बंदे ने सबकी मिर्ची लगा रखी है बंदों के पिछवाड़े में क्योंकि भाई खेलता इतना गंदा है तो ऑब्वियसली कुछ ऐसी स्किल। ओ हो क्या हेड था भाई, जे बात कर रहे तो भाई ओपी हेडशॉट प्रीसाइज किंग डी आई 73 लेवल इसको बंदे पे ले जाते हुए नहीं आ रहा है हेड, बहुत प्यारे एक बंदे को नॉक कर दिया डी आई पीछे से जाते हुए। बैकअप प्लेयर रहते हैं हमेशा से पीछे खेलना पसंद करते हैं, क्लोज में कभी नहीं जाते, ऑलवेज रेडी फॉर लॉन्ग रेंज। पीछे से हेड शॉट पड़ सकता है शायद यही के सामने बंदा है, देखते हैं यही क्या करेंगे। 73 लेवल हेडशॉट है कर 70-80 का हेडशॉट है और एक और टीम डी का बंदा नॉक हो गया है, बहुत प्यारा। और माफिया के बंदे हील हो चुके हैं और यहाँ पे गोलू मैजिक भी नॉक है और सोनू की हील काफ़ी कम है। और त्यागी जी देखते हैं क्या करेंगे, दो बंदे बचे हैं शायद। और यहाँ पे यही क्या करेंगे, यही पे काफ़ी उम्मीद है, एक बंदा बचा है नाइट हॉक्स का एक बंदा बचा है पीछे शायद इनके बंदा है ये देख नहीं रहे। ओ सामने बॉडी शॉट और हेडशॉट 2-1 से आगे, 2-1 से पिछड़ तू ही नाइट हॉक्स। और भाई त्यागी जी ने बोलते हैं ना कि भाई हैकर लेते हैं ग्रैंड मास्टर वालों की, पर त्यागी जी ने उल्टा हैकरों की ले रखी है। इतने ज़्यादा हैकर होने के बाद भी त्यागी जी ने पुश करना नहीं छोड़ा, अकेले दम पे पता है फटके हाथ में आ जाती है पर इस बंदे ने हैकरों की फाड़ के रखी है अकेले दम पे। त्यागी जी इन्फॉर्म गए माफिया ऊपर चढ़ चुके हैं हाइट पे, क्या किसी की खोपड़ी खोलेंगे टीम डी के बंदे की? सामने यही आ चुके हैं तो खोपड़ी खोलने के लिए तैयार माफिया जी। ओ सामने बंदा है यही ले चुके हैं, यही एक बंदे को नॉक कर चुके हैं, यही ने एक बंदे को कंप्लीट कर देंगे, त्यागी जी को हेडशॉट पड़ा है ये बात। ओ यहाँ पे 3v4 दो बंदे बचे हैं नाइट हॉक्स के, देखते हैं कि नाइट हॉक्स वापसी कर पाएगी। 66 लेवल माफिया का हेडशॉट हैकर माफिया अपनी तरफ से, देखते हैं गोलू मैजिक एलेक्स फास्टेस्ट प्लेयर ऑफ टीम डी, फास्टेस्ट प्लेयर रफ्तार है बंदे के पास, स्पीड है बिजली की तरह घूमता है। और एक और बंदा नाइट हॉक्स का गायब, कौन सा गया? गोलू मैजिक अकेले बचे हैं सामने टीम डी के पूरे चार बंदे,
क्या कुछ कर पाएगी नाइटहॉक्स? मुश्किल लगता है क्योंकि टीम डी चढ़ के खेल रही है पूरी। ओ सामने यही है, सामने यही, और हेडशॉट मारेगा यही, और सोनू भाई, और इधर से माफिया, और टीम डी सामने फुल इनफॉर्म डी यही। देखते हैं किसी को ले पाएंगे, ओपन जाते हुए पूरी रेंज बनाते हुए कोई सा है। ओ तीनों हेड गोली सीधी, एक बॉडी के बाद सीधा हेड, ड्रैग लेवल ओपी लेवल। ओ सामने बंदा है, यही के हेडशॉट देखो, द हेडशॉट है कर। ओ सामने एक और बंदा, क्या बॉडी शॉट लगेगा, और बॉडी शॉट बहुत प्यारा, दो बंदे बचे नाइट हॉक्स के। डी आई अकेला गेम दिखा रहा है, और इधर से निंजा भी चार किल के साथ बॉल तोड़ते हुए कंटिन्यू, बॉल तोड़ते हुए क्या होगा देखते हैं, बॉल तोड़ेंगे पूरी बॉल तोड़ते हुए। ओ यहाँ पे बॉल तोड़ दी गई है, और सामने एक और बंदा आ गया, और बॉडी शॉट हेड शॉट, निंजा भाई इनफॉर्म, एक बंदा बचा, और नाइट हॉक्स को 4-1 से हरा दिया है टीम डी ने। जल्द से नाइट हॉक्स सामने, टीम डी की पूरी युवा स्क्वाड, सारे छोटे छोटे प्लेयर्स है, ज्यादा छोटे नहीं कहेंगे भाई, अंडर रेटेड प्लेयर कहेंगे हम इनको, क्योंकि भाई घुस के मारने कदम रखते हैं सारे बंदे, और नाइट हॉक्स भी किसी से कम नहीं है, थोड़ा प्रेशर में तो आ गई होगी ऑब्वियसली। नाइट हॉक्स बैकआउट करके, पूरा बैकअप करके खेलती हुई त्यागी जी क्या कुछ कर पाएंगे। ओ सामने बॉल लगा दी है यहाँ पे टीम डी, डी एल एक्स तो अभी चला ही नहीं है बंदे का, 70 का ऑलमोस्ट हेडशॉट है, फास्टेस्ट प्लेयर टीम डी का डी एल एक्स, और इधर से डी निंजा शॉर्ट रेंज मास्टर, घुस के मारने का दम रखते हैं, और डी आदि को पूरा ले गए, देखते हैं क्या करेंगे, घुसेंगे ऊपर बंदा है शायद, देख लिया है, और देख लिया बॉडी शॉट अच्छा खासा चिपका दिया है, और यहाँ पे ऊपर से कोई बंदा कूदा है, और यहाँ पे एलेक्स यही पीछे से बॉडी शॉट पे लेते हुए, बॉडी शॉट से लेकर, और नाइट हॉक्स का एक बंदा बचा है, लगता है नाइट हॉक्स का काम तमाम कर दिया है, त्यागी जी को ले गए एलेक्स भाई, डी एलेक्स स्पीड की कमी नहीं, रफ्तार माहिर, और लास्ट बंदा बचा है, नाइट हॉक्स को 5-1 से हरा पाएगी, जी हाँ 5-1 से नाइट हॉक्स को दिया है हरा टीम डी ने। क्या मैच रहा, ओपी मैच देखने को मिला, सबसे ज़्यादा किल करी डी निंजा ने 7 किल, और दूसरी तरफ से याही ने भी 3100 का डैमेज देकर 7 किल करी, और दूसरी तरफ से नाइट हॉक्स से 2 किल करी सबसे ज़्यादा, और 680 का डैमेज रहा त्यागी जी का, और डैमेज की बात करें माफिया। तो आज के मैच में इतना ही, मिलते हैं चलो अगली वीडियो में, टेक केयर देन, बाय बाय, सी एवरीवन, लव यू ऑल।